दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए एक हादसे में बेसमेंट क्षेत्र में पानी भरने से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 युवाओं की असामयिक मृत्यु के बाद एसपी सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में हुई घटना के बाद मध्य प्रदेश के बेसमेंट में संचालित कोचिंग केंद्रों के सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक में सीएम ने ये निर्देश दिए। एमपी के नरसिंहपुर जिले में स्थित है ब्रह्मांड घाट या नर्मदा का घाट है। नदी के उफनते ही यह घाट डूब गया है। इसकी वजह से निचले इलाके अलर्ट पर हैं। जबलपुर के बरगी डैम के गेट खुलने से इसका जल स्तर अभी और बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में सोलर लाइट फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता राजेंद्र राठौर और जनपद पंचायत कारारोपण कर्मचारी इंद्र कुमार ध्रुव को गिरफ्तार किया है। फर्जीवाड़े मामले में मोबाइल सील और सीपीयू को पुलिस ने जब्त कर लिया। उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी शुरू हो गई है। आज इस सवारी में जवान पुलिस बैंड में प्रस्तुति देकर देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज उज्जैन में इतिहास रचा जाएगा। हमने मध्य प्रदेश के हर जिले में एक पुलिस बैंड के गठन का निर्णय लिया था। आज पुलिस बैंड के प्रशिक्षण का आखिरी दिन है और वे बाबा महाकाल की सवारी में भाग लेकर अपना प्रशिक्षण पूरा करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर है, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा नेताओं का स्वागत करने में मामले में कांग्रेस ने इंदौर शहर के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। दोनों को पार्टी के कारण बताओ नोटिस जारी किया था। दोनों पार्टी को संतुष्ट जवाब नहीं दे सके। एमपी के जबलपुर में सावन के दूसरे सोमवार को भव्य कांवड़ यात्रा निकली। यह यात्रा नर्मदा के गौरी घाट तट से पूजन के साथ शुरू हुई। संस्कार कांवड़ यात्रा में 50,000 से ज्यादा कांवड़ियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। यह यात्रा पिछले 14 सालों से निकाली जा रही है। संस्कार कांवड़ यात्रा के नाम पर कई विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं। कांग्रेस के सीनियर अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, मप्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक पूर्व मंत्री आरिफ वकील के अकील के निधन की खबर बड़ी दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को जंतूल फिरदौस में मुकाम अदा फरमाए और परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बड़ा हादसा हुआ है। खेलने के दौरान एक 3 साल की मासूम बच्ची करीब 100 फीट गहरे बोरबेल में गिर गई। सूचना पर पहुंचे डीएम और एसपी सहित बचाव दल रेस्क्यू कर रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में आदिवासियों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए लुभाने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, साथ ही मामले की जाँच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर सोमवार से हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की मांग को लेकर बीएमसी परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की।